नाहटा एंड वेलकम बैक टू मसाला मिस्ट्री। आज मसाला मिस्ट्री में हम सीखेंगे बहुत ही हेल्दी सूप, वो भी बहुत ही एक हेल्दी सब्जी का, वो है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक के गुणों के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ड्रमस्टिक का हम आज सूप बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल, जस्ट दो तीन इंग्रेडिएंट के साथ में, बट इतना यम्मी कि सब अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रमस्टिक का सूप बनाने के लिए मैंने कुकर को रख दिया है गैस पे, और आपको पता है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। और इसके लिए ले लीजिए आप थोड़ा सा बटर, लेना ऑप्शनल है, आप तेल में भी बना सकते हो, बट बटर का बेस्ट फ्लेवर आता है। तो आप बटर को गर्म होने के बाद में, काफी बटर दिख गया है, बस थोड़ा सा इसमें मैं मेल्ट करके निकाल लेती हूँ, इतना बटर काफी है। बटर के अंदर हम डाल देंगे थोड़े से प्याज, ये ऑलमोस्ट मैंने तीनों क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रखी है, बस ड्रमस्टिक की थोड़ी सी ज्यादा रखी है। और हल्के से प्याज को भूनने के बाद में फ्रेंड्स, ड्रमस्टिक बहुत सबका फेवरेट भी होता है, उसका खुद का अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है, इसके पत्तों से भी बहुत अच्छी कटलेट्स वगैरह बनती है। अगर आपको इसके पत्तों के कटलेट्स अगर सीखने का मन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं वो भी सिखाऊंगी। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। ये जो आलू और प्याज हम डाल रहे हैं वो टेस्ट भी देगा और एक क्रीमीनेस देगा हमारे सूप को। फ्रेंड्स, मैंने बटर बहुत कम डाला है, आपने देखा मैंने थोड़ा निकाल लिया है, तो आपके अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बटर खाना है। तो आप इसमें बस थोड़ा सा बटर डालिए, ज्यादा बटर डालिए आपके हिसाब से, आप बटर डाल दीजिए। अब थोड़ा सा बस इसको आपने शेक कर लिया, इसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर कटी हुई, धुली हुई, साफ करी हुई ड्रमस्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। बस आपको इसको अब बंद करना है कुकर को, और इसके अंदर आपको दो सीटी लेनी है। इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, आप पानी डाल के इसको बंद करके हम इसको दो सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, दो सीटी आ चुकी है, अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे बंद और इसको कूल डाउन होने देंगे। कूल डाउन होने के बाद में इसके साथ क्या और आगे का स्टेप करना है मैं अभी बताती हूँ। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सी में ट्रांसफर करके इसको एकदम बढ़िया से पीस लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने सूप को छान लिया है, छानने के बाद में हम इसको वापस करेंगे गरम और इसको गैस पे चढ़ा के, अब इसके आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी इतनी बहुत ही मोटी मोटी है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, और दूध डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, बट दूध डालने से बहुत ही, बिकॉज आपने बटर भी डाला है, प्याज और आलू का जो कॉम्बिनेशन है ड्रमस्टिक के साथ में बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप जितना आपको दूध डालना है आप डाल सकते हो, जैसी कंसिस्टेंसी आपको सूप की पसंद है, पतली और मोटी, उस हिसाब से आप इसके अंदर दूध डाल के इसको बॉइल कर लीजिए। और इसके अंदर सिर्फ हम दो ही इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है नमक। नमक मैं इसका इसके अंदर सेंधा डाल रही हूँ, सेंधा मतलब नॉर्मल ही है नमक, बस ये है कि ये रॉक सॉल्ट टाइप में होता है। रॉक सॉल्ट मतलब नॉट द काला नमक, दिस इज द रेड का नमक, बिकॉज यूजुअली दे से कि इट्स प्रिफर्ड टू हैव रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक है, ओवर द सी सॉल्ट नाउडेज। सो एटलीस्ट सूप वगैरह में थोड़ा सा है, ये प्रिफर करती हूँ। तो ये है, अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च,
काली मिर्च भी अगेन आप ही के घर के टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए, कम बेसी या फिर मत डालिए, और सर्विंग के टाइम पे इमीडिएटली आप थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डाल दीजिए। बस फ्रेंड्स आपका सूप रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप प्लीज इसको जरूर बनाइए, सुपर हेल्दी सूप है, बना के इसके रिव्यूज मुझे जरूर दीजिए, और आप कितनी आपको पसंद आती है नहीं आती है इसके बारे में आपको ढेर सारे हेल्दी सूप भी बताऊंगी। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सूप, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मिस्ट्री। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट यट सब्सक्राइब, फ्रेंड्स को बताना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूले। थैंक यू सो मच।